ब्लॉक स्तर पर पिपरिया के आरएनई स्कूल में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। पूर्व विधायक अर्जुन पलिया अधिकारियों पर जमकर बरसे। पलिया ने कहा कि पिछली 15 साल में क्या हुआ और क्या किया उसे छोड़िए, लेकिन अब मनमानी नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री और प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा जो जनहितैषी योजनाएं संचालित की जा रही है, उनका लाभ हर हाल में पात्र लोगों तक पहुंचना सुनिश्चित करना अधिकारियों का काम है। जो भी लोगों को परेशान करेगा वह कार्यवाही के लिए तैयार रहे। कार्यक्रम के बीच में आवास योजना का लाभ नहीं मिलने के चलते एक बुजुर्ग महिला ने कलेक्टर के सामने विरोध दर्ज कराया। बुजुर्ग महिला नर्मदी बाई पिछले कई वर्षों से आवास योजना का लाभ नहीं मिलने से परेशान हो रही है। कैसा बात है? फॉर्म भरा झोंपड़ी नहीं, आपको आवास ही नहीं मिला? नहीं मिला है। 11 साल हो गए और पति देव को बुजुर्ग महिला के विरोध के बाद आनंद फानन में कार्यक्रम स्थल पर ही जनपद अधिकारियों ने आवास योजना का फॉर्म भरा। कलेक्टर ने मीडिया के सवाल पर कहा कि राशन वितरण में जिसने भी गड़बड़ी की उस पर कार्यवाही की जाएगी। आपकी सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम में कलेक्टर धनंजय सिंह, जिला पंचायत सीईओ आदित्य सिंह, एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, जनपद पंचायत सीईओ शिवानी सिंह, तहसीलदार राजेश बोरासी, नगरपालिका अध्यक्ष राजीव जायसवाल, जनपद अध्यक्ष अर्चना अनिल साहू, कांग्रेस नेता अशोक पालीवाल, अशोक पुरोहित, दिलीप पालीवाल, मनीष शाह सहित कांग्रेस और भाजपा के नेता मंचा सिंह थे। लाइन राशन बांट दिया जाता है, कैसे देखते हैं? इसमें जो आदिवासियों की जो शिकायतें प्राप्त हुई है उसके संबंध में जो यहाँ पे फूड इंस्पेक्टर है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। एक सेल्समैन के खिलाफ भी कार्रवाई पद से पृथक करने की जा रही है और इसके अलावा भी इसमें फूड से संबंधित जितने भी विषय आए हैं उन सभी में जाँच उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, लंबे समय से जो जमीन थी उस पर ट्रांसपोर्ट नगर न बनना था। पिपरिया से सुशील पटवा की रिपोर्ट।